तो दोस्तों, जब भी आप हीट एक्सचेंजर का मेंटेनेंस करते हैं तो कभी कभी आपने चैनल हेड या डिस्ट्रीब्यूटर के पार्टीशन प्लेट पर एक रॉड या डिस्क जैसा कोई चीज देखा होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये क्या चीज है? चलिए आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज है उसे हम कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीट एक्सचेंजर में सैक्रिफिशियल एनोड का यूज क्यों किया जाता है, इसका क्या पर्पस होता है और ये किस मेटल के बने हुए होते हैं। तो गाइज, इन चीजों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाकी मुझसे लाइव जुड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं सैक्रिफिशियल एनोड की। तो आपको बता दूं कि किसी भी हीट एक्सचेंजर में ये एनोड ज्यादातर वहां यूज किए जाते हैं जिस हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड सी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सी वाटर के कंपोजिशन की बात की जाए तो 96.5% वाटर के साथ साथ 2.5% सॉल्ट होता है। इसके अलावा 1% में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ साथ कुछ एटमोस्फेरिक गैसेस भी होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सी वाटर एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की तरह काम करता है, और जब हम सैक्रिफिशियल एनोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ट्यूब के मटेरियल को गैल्वेनिक कोरोजन से बचाता है। वो इसलिए कि हम एनोड के रूप में ऐसे मेटल का यूज करते हैं जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के आयन से बॉन्ड बना ले और हमारे ट्यूब के मटेरियल से रिएक्ट ना करे। तो इस प्रकार एक एनोड हमारे हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स को कोरोडेड होने से बचाता है। अगर हम बात करें कि हीट एक्सचेंजर में इस्तेमाल होने वाला एनोड किस मेटल का बना होता है तो हमने ज्यादातर देखा है कि ये जिंक का बना होता है, क्योंकि जिंक बाकी मेटल की तुलना में बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इस प्रकार ये एक हाईली एक्टिव मेटल है जो खुद को सेक्रीफाइस करने के कैपेबल होता है, इसी कारण इसे सैक्रिफिशियल एनोड भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक क्लियर हुआ होगा कि हीट एक्सचेंजर में सैक्रिफिशियल एनोड क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या पर्पस होता है। तो जवाब बड़ा ही सिंपल है कि हीट एक्सचेंजर में यूज होने वाले ट्यूब्स के मेटल को गैल्वेनिक कोरोजन से बचाने के लिए सैक्रिफिशियल एनोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी प्रकार की और भी पाइपिंग मेंटेनेंस और शटडाउन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।